आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने खबर सुनी होगी, सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है अवैध खनन के मामले में। उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया है। इसके अलावा राव दान सिंह हैं, उनके भी 18 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अभी तो रिकवरी भी शुरू हो गई है, कोर्ट में भी पेश किया जा रहा है। तो इस पर विनोद भाटी क्या कहना चाहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाटी साहब, कांग्रेस के विधायक लगातार पकड़े जा रहे हैं, आज तो एक गिरफ्तार भी हो गए हैं, कोर्ट में भी पेश किया गया है, तो क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी, कांग्रेस सरकारों में हमेशा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। उन नेताओं ने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। खुद अवैध खनन के मामले में एक विधायक पकड़ा गया, करोड़ों की संपत्तियां मिल रही हैं, करोड़ों रुपए नकदी मिल रही हैं। बात करें चाहे राव दान सिंह की, बात करो M3MM जो अपना जमीनी मैटर था उस ग्रुप के साथ अवैध तरीके से लाइसेंस जलाना, पैसे खाना, इस तरीके से बहुत बड़े स्तर पर ये घोटाले कांग्रेस सरकार में हुए। और माननीय मोदी जी, माननीय नायब सैनी जी की सरकार में, मनोहर लाल जी की सरकार में भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी बीजेपी सरकार ने इन भ्रष्टाचारियों को दमन करना है, अंत करना है। अपने प्रजा का पैसा, जनसाधारण का पैसा अवैध तरीके से कोई नहीं खा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता सुरक्षित है, भ्रष्टाचार बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। ये भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में होता आया है। तो मैं तो सभी साथियों से, जनसाधारण से अपील करूंगा कि कांग्रेस का ये भ्रष्टाचारी चेहरा आपके सामने आ रहा है, आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको जवाब दो कि भ्रष्टाचारी के लिए हमारे यहाँ, हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। अभी राव दान सिंह के चर्चे काफ़ी हो रहे थे और अब पता चला है कि 1400 करोड़ रुपये का बैंक फ्रॉड उनकी कंपनी के द्वारा किया गया है, जिस पर 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अभी कांग्रेस कहती है नीरव भाग गया, फलाना भाग गया, धमाका भाग गया, अभी तो इनके ही आदमी निकल रहे हैं। देखो साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये पुराने कांग्रेस सरकार के CM साहब के नवरत्नों में से एक थे। इनके 1400 करोड़ के 1400 करोड़ के घोटाले मिलेंगे। धीरे धीरे जाँच शुरू हुई है, बहुत बड़े घोटाले हैं, बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा मैटर है, बहुत पैसा इधर से उधर किया गया है। तो हुड्डा जी के बारे में कहा जाता है, भाई कांग्रेसी कहते हैं हुड्डा जी बड़े ईमानदार हैं, और इनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जो सामने ईडी कार्रवाई कर रही है, सरकारी तंत्र कार्रवाई कर रहा है, बिना प्रत्यक्ष के बिना कार्रवाई नहीं करता। सबके पास साक्ष्य सबूत हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी का समय है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई बच नहीं सकता। सारी जितने भी चोरी की है सारी सामने आएंगी, सारा भ्रष्टाचार सामने आएगा। तो आपको क्या लगता है, जो सुरेंद्र पवार गिरफ्तार किए गए हैं, ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो सरकार की कार्रवाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। शुभ नाम भी बताइए आप। मोंटू जी है। जो कांग्रेस दावे करे हम तो ईमानदार हैं, लेकिन अभी तो इनका चेहरा सामने आ रहा है। जो ईमानदार है, जो बेईमान है, सभी कुछ सामने आ जाएगा, चाहे वो कोई भी है। तो कार्रवाई ठीक हो रही है? मतलब कार्रवाई ठीक हो रही है जी, ठीक है। के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा जी, ठीक है, कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद।